ओम शांति। आज 30 सितंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। इस समय सभी की तकदीर बिगड़ी हुई है। क्यों क्यों सबकी तकदीर बिगड़ी हुई है? पतित है, क्योंकि सब क्या है? पतित है। तुम्हें अब श्री मत पर सबकी तकदीर जगानी है, अर्थात सबको पावन बनने की युक्ति बतानी, सबको पावन बनने की युक्ति बतानी है। खुद को पता होगी, फिर हम औरों को भी बता सकेंगे। ये बाबा बीच में अंडरस्टूड करा देता है। प्रश्न, सबसे खराब चाल कौन सी? सबसे खराब चाल कौन सी है जिससे बहुत नुकसान होता है? जिससे बहुत नुकसान होता है, कौन सी खराब चाल है? एक दो को पत्थर मारना, एक दो को पत्थर मारना। पत्थर मारते हैं हम तो पत्थर नहीं मारते, ऐसे बोल जो ऐसे जख्म कर देते हैं, वो जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, परंतु ये जख्म सारी जिंदगी नहीं। अर्थात कड़वे बोल बोलकर जख्मी कर देना, ये है पत्थर मारना। ये सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। क्या नुकसान होगा? दुखी हो रहा है, वो हो रहा है, रो रहा है तो वो रो रहा है, हमें क्या नुकसान होगा? हमें भी कोई नुकसान होगा? हमने थोड़ा सा गुस्सा आया, हमने जो मर्जी आई बोल दिया, हमने जो मर्जी आया थोड़ा सा आया। कईयों को होता है कुछ भी नहीं होता, जो मर्जी आती है बोलते रहते हैं, जो मर्जी आती है बोलते जाते हैं, वो तो बोल के चले जाते हैं, परंतु वो उस बात को पकड़ कर बैठे हुए हैं और वो दुखी हो रहे हैं। अब वो जितना दुखी हो रहा है उतना दुखी उसको होना पड़ेगा, चाहे उसने तो उस टाइम पर कुछ ऐसा शायद ना भी सोचा हो। कई बार जाने अनजाने में कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, होता तो है कि उससे उनका भला हो, सोचा इस रीति से जाता है, परंतु वो अपनी तरफ से उसको उल्टा ले लेते हैं, तो वो भी होता है। क्योंकि लेना तो हर एक की अपनी अपनी मर्जी है ना, किसी भी बात से वो दुखी हो जाए। तो इसलिए मतलब अपने पर हम अटेंशन दें कि हमारे से किसी को दुख ना पहुंचे, क्योंकि जितना दुख देंगे उतना दुख। सबसे खराब चाल, इससे बहुत नुकसान होता है। तुम बच्चों को अब क्या बनना है? रूप बसंत। क्या होता है रूप बसंत? बने और उससे अपने जीवन को गुणों से सजाएं, हमारा व्यवहार इतना अच्छा हो जो सबको खुशबू मिले, खुशी मिले। अच्छे मैनर्स धारण करने, उसको फ्रिज में से निकाल के रख दो। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, तुम्हारे मुख से सदैव
अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। मुख से क्या निकलने चाहिए? अविनाशी ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है, आत्मा को भी याद से रूपवान बनाना है, और बाप जो ज्ञान रत्न देते हैं उनका दान करना है। बहुत मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे बोल बोलने से किनारा कर लेना है। कड़वे बोल बोलने से हमें, ताकि बोले नहीं छोड़ के चले जाओ। मान लो किसी का कोई भी व्यवहार पसंद नहीं आया, इसके बजाय कि हम कुछ कड़वा बोल बोले हम वहां से चले जाए, पत्थर ना मारे, पत्थर मारने से पहले ही वहां से हट जाए, क्योंकि कोई का कोई ना कोई बिहेव व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा तभी हम पत्थर मारते हैं, ठीक है? तो उससे पहले क्या हो जाए, अलग हो जाए, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति के सामने से हट जाओ, कोई भी विकार है उसके सामने से हट जाओ, तभी बच सकते हैं। आज बाबा ने कहा पत्थर मत मारो, कभी कभी बाबा कहते हैं पत्थर मारो, बहुत बार कहते हैं याद करो, वो कहते हैं बुद्धि में पत्थर। ऐसे प्रश्न ज्ञान के पत्थर, है नहीं, मतलब जैसे पानी में पत्थर मारते हैं ना तो लहरें उठती हैं, ऐसे उनसे ऐसे प्रश्न पूछो, ऐसी बात बोलो जो वो सोचते रह जाए। ऐसे पत्थर मारने के लिए कहता है, आत्मा को पत्थर मारने के लिए कहता है कि आत्मा को ज्ञान के पत्थर मार। हाँ, ज्ञान के रत्न भी मतलब ऐसा फेंको जो उनकी बुद्धि हिल जाए, चले कि क्या करें। जैसे पत्थर, बाबा ने कहा जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो उसकी लहरें उठती है, ऐसे ही उनके अंदर भी लहरें उठी। गीत, भोले नाथ से निराला और कोई नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला और ओम शांति। बाप हमेशा भोले होते हैं, बाप हमेशा क्या होते हैं, भोले होते हैं। कैसे भोले होते हैं? बेहद का दूसरा होता है, अच्छा भोले होते हैं, एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप को तो सब जानते ही हैं, तुम ब्राह्मण लौकिक बाप और पारलौकिक बाप दोनों को जानते हो। लौकिक बाप भी भोले ही है, लौकिक बाप भी क्या होते हैं, क्या करते हैं, बच्चे पैदा कर उनकी संभाल कर मेहनत कर फिर सब कुछ बच्चों को दे देते हैं। सोच तो कहीं तक सोचे, वह तो दे देते हैं, झूठ आदि बोल करके कमाते, पिछाड़ी में पुत्र पोतरे के लिए छोड़ जाएं, वो सजा तो हमें पानी पड़ेगी ना, जो करेगा सजा तो उसे ही पानी पड़ेगी ना। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, छोटेपन में ही बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है, बच्चा बाबा बाबा कहने लग पड़ता है। बाबुल अक्षर बहुत मीठा है, बाबुल अक्षर बहुत मीठा है। अब तुम बच्चों ने बेहद के बाप को भी जाना है, बेहद के बाप ने तो कमाल, बेहद के बाप ने तो कमाल की है। कितनी बेहद की नॉलेज सुनाते हैं, लौकिक बाप तो समझा ना सके, लौकिक बाप तो समझा ना सके। भल धन आदि देते हैं परंतु बिगड़ी को तो वे बना ना सके। बिगड़ी को बनाने वाला भगवान भोलेनाथ ही है, वे कल्प कल्प सर्व की बिगड़ी को
बनाने वाला है, सर्व का गति सदगति देने वाला है, लौकिक बाप टीचर गुरु हमको बेहद का मालिक नहीं बना सकते, बेहद का मालिक नहीं बना सकते। बेहद बाप को जानना और रचना के आदि मध्य अंत को जानना ये और कोई जानते ही नहीं, दूसरे कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बच्चों की बुद्धि में है कि ये बेहद का चक्र कैसे फिरता है। बच्चे जानते हैं ये बना बनाया ड्रामा है, वही हमें पुरुषार्थ कराते हैं। हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे, हम पुरुषार्थ जरूर करेंगे। कल्प कल्प जैसे श्री मत पर पुरुषार्थ किया था वैसे हर एक कर रहे, वैसे हर एक कर रहे हैं। अपनी बिगड़ी को बनाने देखते हैं कि बहने और भाई सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए, सब बिगड़ी को बनाने के पुरुषार्थ में लगे हुए। भारतवासी पुकारते भी हैं कि हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे बिगड़ी को बनाने वाले, हे पतित पावन आओ। रावण ने बिगाड़ा है जिससे ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। अब तुम बच्चों ने ये सब बाप द्वारा जाना है। मनुष्य सृष्टि जिसका नाम कल्प वृक्ष है ये बहुत नामी ग्रामी है, ये बहुत नामी ग्रामी है जिसका राज भी बुद्धि में बैठ गया है। मनुष्य लोग जब तुम्हारे चित्र देखते हैं तो कहते हैं ये तो कल्पना है, ये तो कल्पना है। जो 5000 वर्ष का कल्प वृक्ष बनाया है हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प वृक्ष जो बनाया है हम तो इस पर बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। कल्प वृक्ष जिसका बैनियन ट्री के साथ मुकाबला करते हैं, समझाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अब वो प्राय लोप है। ड्रामा प्लान अनुसार और सब धर्म हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो मुख्य स्वर्ग की गाई जाती है उनको फिर से रिपीट होना है। जो इतिहास और भूगोल स्वर्ग का था, इसी धरती पर स्वर्ग था, वो पुनः दोबारा होगा। अच्छा, हिस्ट्री ज्योग्राफी है ही स्वर्ग की, सब कहते भी हैं हमको क्या चाहिए, राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए जिसमें दुख का नाम निशान ना हो, जिसमें दुख का नाम निशान ना हो। अब तो रावण राज्य है परंतु ये कोई नहीं समझते कि हम ही रावण हैं। कहते हैं रावण का राज्य है परंतु ये नहीं जानते हमारा राज्य है, हम खुद ही रावण बने हुए। तो रावण कौन बनी, आत्मा या शरीर? आत्मा। रावण कैसे बन गई? रावण का तो कोई शरीर नहीं, रावण तो कोई आत्मा भी नहीं है। आत्मा होती तो हम ना बनते, हम परमात्मा नहीं बन सकते ना। परमात्मा एक आत्मा है ना, हम परमात्मा नहीं बन सकते, हम भी रावण ना बनते। रावण आत्मा नहीं है। हाँ, मतलब रावण भी कोई आत्मा होता मतलब तो हम ना बनते ना रावण। हम रावण इसलिए बन गए कि रावण तो कोई आत्मा है नहीं,
रावण तो नाम ही बुराइयों का है और हमने उन बुराइयों को अपने जीवन में धारण कर लिया, इसलिए हम रखते हैं, बहुत सारे रखते हैं, रावण रख देते हैं। कोई ऐसा भक्त जो हमारे हिंदू जो थोड़ा राम को मानने वाले वो ना रखे, आजकल सब हर प्रकार के। रावण का रोल करता है उसको बुलाते थे रावण, और सारे लोग उसको रावण बुलाते थे प्रभु दीर्घा में, तो नहीं उसका अपना नाम तो कुछ भी होगा, मतलब जैसे परमात्मा हम नहीं बन सकते, मैं आप नहीं बन सकता, आपका रोल अपना है, मेरा रोल अपना है, हर एक आत्मा का रोल यूनिक है, वो उधर नहीं जा सकते, मत तो वो आत्मा नहीं है, वो नाम ही बुराइयों का है। इसलिए हम सब क्या बन गए हैं, रावण बन गए उन बुराइयों को धारण करने के कारण। ये बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। बिगड़ी को बनाने वाला कैसे आते हैं, कैसे बिगड़ी को बनाते हैं, पतित को कहेंगे बिगड़े हुए। हमारी बुद्धि अथवा तकदीर कैसे बिगड़ी हुई थी, यह अब तुम्हारी बुद्धि में है। उनकी रस्म रिवाज ही रावण की है, उनकी रस्म रिवाज ही कैसी है, रावण की, और तुम्हारी रस्म रिवाज क्या है, राम की। राम कोई त्रेता वाला नहीं है, राम कोई त्रेता वाला नहीं है, उसने गीता नहीं सुनाई, राम ने गीता नहीं सुनाई, तो राम ने क्या सुनाया, रामायण सुनाई नहीं सुनाई। हाँ जी, कृष्ण ने, चलो कृष्ण के नाम से तो गीता लिख दी, नाम रख दिया कि कृष्ण ने गीता सुनाई, तो गीता से परमात्मा कहते किसका जन्म हुआ, कृष्ण का जन्म हुआ। गीता है कृष्ण की माँ, गीता है कृष्ण की माँ, तो नहीं शिव बाबा ने गीता ज्ञान सुनाया जिससे कृष्ण का जन्म हुआ। राम कोई वो त्रेता वाला नहीं, उसने गीता नहीं सुनाई। आज कल विलायत में भी रामायण आदि सुनाते हैं, कोई कोई तो गेरू कफनी पहन कुटियाओं में जाकर रहते हैं। अब तुम बच्चों को कोई कुटिया आदि में नहीं रहना है, कुटिया आदि में नहीं रहना है। कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या, कुटिया में कब पाठशाला होती है क्या, वहां तो फकीर लोग रहते हैं। तुम्हारी तो पढ़ाई है, तुम्हारी तो पढ़ाई है, परंतु ये है नई गवर्नमेंट, इसलिए कोई समझ ना सके कि तुम कौन हो, कि तुम कौन हो। एक मिनिस्टर को समझाओ तो दूसरे कहेंगे तो बुद्धू है, तुम क्या हो, बुद्धू हो। ये बिल्कुल नई बात है। बाबा समझाते हैं, समझाते रहते हैं, करेक्शन भी करते जाओ। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियों के आगे क्या लिखना चाहिए, प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। जब प्रजा पिता ब्रह्मा है तो पूरा लिखना चाहिए ना, ब्रह्मा के तो कोई बच्चे होते ही नहीं, ब्रह्मा तो मॉडल है, ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतन के अंदर केवल दुनिया को खुश करने के लिए, ना सूक्ष्म वतन है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर, ना कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये तो सिर्फ भक्त धीरे धीरे आ जावे, फिर उनको धीरे धीरे कहेंगे बाद में कि नहीं, पहले तो नहीं कह देंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं है, राम भी नहीं है, कृष्ण भी नहीं है, छोड़ो तुम कोई और हो भैया, तुम्हारा भगवान भी कोई और ही। प्रजापिता कहने से बाप सिद्ध हो जाता है,
जब वो प्रजा पिता है तो सारी प्रजा का पिता है और सबका बाप है। हम प्रश्न ही पूछते हैं कि प्रजा पिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, क्योंकि ब्रह्मा नाम तो भूतों के हैं। कोई फीमेल का नाम भी ब्रह्मा है, ब्रह्मा देवी, ब्रह्मावती, ब्रह्मा। प्रजापिता नाम तो किसी का भी नहीं। इसलिए प्रजापिता अक्षर बहुत जरूरी है। क्या लिखो? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। खाली ब्रह्मा कुमार नहीं, प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, प्रजापिता आदिदेव कहते हैं, परंतु आदिदेव का अर्थ नहीं जानते। प्रजापिता तो जरूर यहां ही होगा, आदिदेव फिर वे ब्रह्मा सूक्ष्म हो जाता है। आदि अर्थात शुरुआत का, प्रजापिता ब्रह्मा को फिर बेटी है सरस्वती। ब्रह्मा को बेटी है, प्रजापिता ब्रह्मा को बेटी है सरस्वती। अब उस ब्रह्मा की तो बेटी हो ही नहीं सकती, सूक्ष्म वतन में तो बेटी हो ना सके। रचयिता तो यहां है ना। इन गुहे बातों को विशाल बुद्धि वाले ही धारण कर सकते। धारणा के साथ मैनर्स भी चाहिए। धारणा तो कर लो, वो तो उसके साथ क्या चाहिए? मैनर्स भी चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो। तुम्हारा बोल जो निकलता है उनको रत्न कहा जाता है, उनको रत्न कहा जाता है। बाप रूप बसंत है, आत्मा को रूपवान बनाते हैं। अब तो आत्मा काली कुरूप है, उनको योग से रूपवान बनाना है। तुम बच्चे अभी रूप बसंत बनते हो, रूप मुख से सदैव अविनाशी ज्ञान रत्न निकालते हैं, निकलते हैं। बच्चों के मैनर्स बहुत मीठे होने चाहिए, मुख से हमेशा रत्न ही निकलने चाहिए। मुख से हमेशा क्या निकलने चाहिए? रत्न ही निकलने चाहिए। बहुत हैं जो पत्थर ही मारते। बाप ज्ञान रत्न देते हैं, तुम बच्चों का भी यही धंधा है, तुम बच्चों का भी यही धंधा है, एक दो को पत्थर मारना। ये तो बड़ी खराब चाल है, ये तो बड़ी खराब चाल है। अपना नुकसान कर देते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उसका रूप भी समझाया है, कितना सूक्ष्म है, कितना सूक्ष्म है। वे तो लिंग कह देते, वे तो लिंग कह देते हैं। पहले तो बाप का परिचय देना है, भल वे ज्योतिर्लिंगम ही समझे, समझने दो उनको। पहले तो उनको बाप का परिचय देना है, डीप बात बाद में समझानी है, गहरी बातें बाद में समझानी है। फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। बाबा ने कितने 26 साल लगाए आत्मा का रूप समझाने में, इसलिए बाबा ब्रह्मा विष्णु शंकर सब पकड़ के चित्र लगा दिए। उसके बाद फिर सबको बुद्धू बना रहा है, कोई नहीं है ये सब। डीप बातें बाद में समझानी होती, फिर पूछना होता है आत्मा का रूप क्या है। ये तो सब कहते हैं ब्रिकुटी के बीच में चमकती है ज्योति, तो जरूर छोटी सी होगी, छोटी होगी। बड़ा लिंग हो तो यहां बैठ भी ना सके, गोला निकल आए पकड़ ले भी, देख ले भी। पहले तो बाप और बच्चे का संबंध बुद्धि में बिठाना चाहिए। वे तो है बेहद का बाप, अब ब्रह्मा कहां से आता है? बाप आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, अर्थात
इसमें प्रवेश करते हैं, तुम्हारी एडॉप्शन अलग और इनकी अलग, तुम्हारी एडॉप्शन अलग और इनकी एडॉप्शन अलग। बाप इसमें प्रवेश करते हैं, बाप कहते हैं ये मेरी स्त्री है, मैंने एडॉप्ट किया है, मैं इनमें प्रवेश हो कहता हूं तुम हमारी मुख वंशावली हो। शिव बाबा कहते मैं इनमें प्रवेश करके कहता हूं तुम हमारी मुख वंशावली हो, मैंने तुमको ब्रह्मा मुख से रचा है। मुझे तो अपना मुख है नहीं, मुझे तो अपना मुख है नहीं। शिव कैसे कहेंगे मेरी मुख वंशावली, शिव कैसे कहेंगे? कितना अच्छी रीति समझाया जाता है, बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तुम सब आत्माएं क्या हो, मेरे बच्चे हो, भाई बहन हो। बुद्धि में ये आना चाहिए बाप स्वर्ग रचने वाला है तो हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं, हमको स्वर्ग की राजाई क्यों नहीं मिलनी चाहिए? स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते, स्वर्ग में तो सब नहीं जा सकते। बाप कहते हैं सर्व का सदगति दाता सदगति करता हूं, तुम मुक्ति में जाकर फिर पाठ बजाने आते हो, मुक्ति में जाते हो और फिर पाठ बजाने आते हो। नंबर वार, मुक्ति सबको मिलती है, मुक्ति सबको मिलती है, माया के दुख से सब छूट सकते हैं, फिर नंबर वार आना होगा, फिर नंबर वार आना होगा, क्या करने, पार्ट बजाने। जीवन मुक्ति में पहले पहले तुम जाते हो क्योंकि तुम राजयोग सीखते हो ना, जिन्होंने कल्प पहले आकर सीखा है वही आकर सीखेंगे। ड्रामा अनुसार, ड्रामा सामने खड़ा है ना, अभी तो अनेक धर्म है, अभी तो अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था, सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म किसने स्थापन किया, ये कोई नहीं, ये कोई नहीं जानते, तुम जानते हो, तुम जानते हो। परमपिता परम आत्मा ही ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं, क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। बिगड़ी को सुधारने वाला, बिगड़ी को सुधारने वाला कौन है, बरोबर एक बाप ही है। सतयुग में तो बुलाएंगे नहीं कि बिगड़ी को बनाने वाले आओ, जहां तकदीर बिगड़ी हुई है, राहु की दशा बैठी हुई है, ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा थी, अब आकर राहु की दशा बैठी है, सारे विश्व पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, सारी दुनिया काली बन गई है, गोल्डन एज वर्ल्ड को ग्रहण लगते लगते कला कम होते होते आखरीन आयरन वर्ल्ड बन जाता है। गोल्डन एज में भी ग्रहण लगता है, लगना तो शुरू हो गया ना, चाहे 0.0001% लगा हो, ग्रहण तो लगना शुरू हो गया, छाया तो पड़ ही गई, शरीर में आते ही छाया पड़ गई। अब बाप कहते हैं ग्रहण दशा तो बड़ा फाइनल हो गया ना, हाँ सतयुग में कौन बोलेगा दशा और ग्रहण में फर्क है क्या, दशा तो होती ना जो ये राहु की केतु की दशा ही हो गई, ग्रहण तो होगा कि किसी को थोड़ा सा दाग लगना, थोड़ा सा भी हल्का सा गिरना ऐसा है। ये जो राहु केतु मंगल सूरज
ये जितने भी हमारे ग्रह हैं, ये हमारे जो पहले वाले ज्योतिषी थे या मैथमेटिशियन कहो, उन्होंने वंडरफुल कैलकुलेशन की हुई है और बिना ही किसी प्रकार के दूसरे उसको पकड़े, मतलब आपको ग्रहण बताते हैं कि इस समय लगेगा, मतलब उसी कैलकुलेशन के हिसाब से बताते हैं कि इतने साल बाद, क्योंकि कई सालों का पहले से ही जंत्री बना के रखी हुई है। ये मैथमेटिक्स फार्मूला है उनका, मतलब एक्यूरेट है, और कब ग्रहण लगेगा, तो जब चंद्रमा वहां होगा, सूर्य वहां होगा, पृथ्वी वहां होगी, तो पृथ्वी बीच में आएगी तो सूर्य ग्रहण लगेगा, चंद्रमा बीच में आएगा तो चंद्रमा ने पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। पृथ्वी सूरज की रोशनी को चंद्रमा पर जाने नहीं देगी तो वो चंद्र ग्रहण लगेगा, और चंद्रमा आ जाएगा बीच में तो सूर्य ग्रहण लगेगा, क्योंकि वो सूरज की रोशनी को आने नहीं देगा। ये छाया इसी प्रकार से ग्रहों की है, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह, मतलब ये कब कब जो है ना हमारे उस पर, हाँ, कैसी अवस्था पर होती है। अब उन्होंने इसको अपने हिसाब से ले लिया दुनिया वालों ने। छाया का मतलब ये होता है छाया पड़ गई है, मतलब असर पड़ना शुरू हो गया, परंतु दिखाई तब देगा। छाया का मतलब क्या होता है कि दूसरी जगह तो ग्रहण लगा हुआ दिखाई दे रहा है, पड़ जाएगी, परंतु दिखाई हमें तब देगा, मतलब क्योंकि ग्रहण लगने का जो समय है वो भारत में अलग है, दूसरे देश में अलग है, तीसरे देश में अलग है, तो दूसरे देश में लगा हुआ है छाया पड़ गई है, परंतु हमारे देश में वो दिखाई तब देगा, यहाँ तब लगेगा, लगा हुआ तो है छाया पड़ने वाला, लग गया। अब जैसे हमने बल्ब का लिया था एग्जाम्पल कि हमने बल्ब को थोड़ा सा कम कर दिया, तो थोड़ा सा हमने क्या माया तो डाल दी ना, अंधेरे का प्रभाव तो पड़ गया, परंतु इतनी रोशनी के अंदर वो प्रभाव नहीं दिखा रही थी, तो छाया तो पड़ जाती है। यानी दे दान तो छूटे ग्रह, क्योंकि हमारे अंदर बुराइयों का आना शुरू हो गया, जैसे ही तन में आए बुराइयां आना शुरू, क्योंकि पहले पहले तो हमने गलती ये की कि धीरे धीरे हमने इसको कहा ये मेरा शरीर, ये तेरा शरीर है, मेरा शरीर है। ऊपर से आए थे तो हमारी बुद्धि में क्या था, नीचे कॉस्ट्यूम है, हम उसको पहनकर खेलेंगे, परंतु धीरे धीरे हमने इसको मेरा और तेरा कर दिया, तो यहीं से फिर शुरुआत हो जाती। दे दान तो छूटे ग्रह, योग बल से माया रावण को जीतना है, योग बल से माया रावण को जीतना है, विकारों का दान दिया जाता है तो ग्रहण छूट जाए। हम अपने विकारों का दान करें तो ग्रहण छूट जाएगा। हम सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे। बेहद की बात हुई, ये बात कौन सी हुई, बेहद की बात हुई। अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही, अभी आत्मा में कोई कला नहीं रही है, इसलिए शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं, शरीर भी ऐसे तमो प्रधान मिलते हैं, जैसे सोने में कैरेट होते हैं ना, 14 कैरेट, 18 कैरेट, 20 कैरेट। अभी तो मनुष्यों में कोई कैरेट नहीं, कोई पवित्रता नहीं रही, कुछ भी अक्ल नहीं है, अक्ल भी कुछ नहीं। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना समझदार बनाया था, फिर तुम 84 जन्म लेते लेते क्या बन पड़े हो। अनेक बार ये चक्कर लगाया, पहली बार चक्कर नहीं लगा रहे, अनगिनत बार ये चक्कर लगा चुके हो, कल्प कल्प राज्य लेते हो फिर गंवाते हो। पुनर्जन्म लेने से वृद्धि तो सबकी होती रहती है, बच्चों को बुद्धि में बहुत नशा चढ़ना चाहिए,
अब राजधानी स्थापन हो रही है, अब राजधानी स्थापन हो रही है, फूलों का बगीचा स्थापन होता है संगम, फूलों का बगीचा स्थापन होता है कहाँ होता है संगम पर, संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, संगम को तुम ब्राह्मण ही जानते हो, यहाँ तुम बच्चों को रत्न मिलते हैं, फिर बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते, बाहर जाने से पत्थर मारने लग पड़ते हैं, माया जख्मी कर देती है, उनको कहेंगे पाप आत्मा, उनको कहेंगे पाप आत्मा। बाप कहते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करो, एक दो को तुम पत्थर मारते मारते एकदम पत्थर बुद्धि बन पड़े हो, अब तुम्हारी बुद्धि लोहा से सोना जैसी बन रही है, लोहे से क्या बन रही है सोने जैसी बन रही है, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो, फिर तुम पत्थर क्यों मारते हो, अगर कोई उल्टी बात सुनाए तो समझो, क्या समझो, ये हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है, ऐसे का संग कभी नहीं करना, ना सुनना। निंदा आदि एक दो की तो बहुत सुनाएंगे, कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है, बस उनको मजा ही आता है, टेस्ट आ गया, वो ऐसा है वो ऐसा है वो ऐसा है, कोई कोई में निंदा करने की आदत होती है तो वे कब अच्छी बात नहीं सुनाएंगे जिससे कल्याण हो। बाबा हमेशा समझाते हैं कि ज्ञान रत्न दान करते रहो, बाबा जो सुनाते हैं वे औरों को सुना, बाबा जो सुनाते हैं वो औरों को, कोई भी आए आपके पास निंदा करने के लिए तो क्या करेंगे, हाँ वो आवे चुगली करने उसकी 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 निंदा करने, आपने उसको रोकना है और उसे ज्ञान रत्न देने, और पहले अपने आप को भी रोकना है, अपने आप को क्या रोकना है, पहले अपने आप को करना है ना, पहले अपने आप को हम क्या करें फिर हम उनको करेंगे ना। कोई भी आवे चुगली करने के लिए या किसी की कमियां वर्णन करने के लिए, उसमें ये कमी है उसमें ये कमी है, अब आप क्या करेंगे, मोड़ो मतलब कोई आपके पास कोई किसी की निंदा करने आया है, अब आप उसे मोड़ो, कैसे मोड़ो, पहली लाइन, सब आत्माओं का अपना अपना रोल और सभी आत्माएं अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है, किसी के रोल में गलती देखना माना मुझे ही ज्ञान समझ में नहीं आया, मुझे ही ज्ञान समझ में नहीं आया, ठीक है, और समझा देंगे मतलब अच्छे से, मतलब उनको अच्छी तरह समझाना है कि आपका वर्तमान समय भी वेस्ट हो रहा है, क्यों इसको बर्बाद कर रहे हो, समय की वैल्यू को समझो, बाबा जो सुनाते हैं वो और बाबा हमें यही सुनाते हैं, वही जो भी आवे उसको सुनाना, सर्विस का उजूरा तो बच्चों को मिलना ही है, आप सेवा करेंगे तो उसका उजूरा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आप पे ही अपना कल्याण करना है,
आपे ही अपना कल्याण करना है, किसकी ग्लानी नहीं करनी है, किसी की भी ग्लानी नहीं करनी है। तुम बच्चों पर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाप कांटों से फूल बनाने आए हैं तो बच्चों का भी यही धंधा है, बच्चों का भी यही धंधा है, बाप ये धंधा सिखलाते हैं तो ये मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की फैक्ट्री हुई ना, मनुष्य को देवता, कांटों को फूल बनाने की क्या है, फैक्ट्री हुई ना। तुम्हारा ज्ञान मेटीरियल है, तुम्हारा ज्ञान क्या है, मेटीरियल, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मतलब तुम्हारे लिए खजाना है मेटीरियल वस्तु है, जो भी है, यही है ज्ञान। हाँ, जिससे रात तो नहीं लगाया इसमें, हाँ मतलब मेटीरियल है, मतलब जैसे कोई भी चीज खजाना है, जो भी है, जैसे कोई वस्तु होती है किसी के लिए, जिससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो, ये वो मेटीरियल है। आगे जो भी है, मतलब ये हमारे लिए बनाने का ये मेटीरियल है, इसी से ही बनोगे ना, जैसे सात गुण है, आठ शक्तियां हैं, इससे बनना है ना। हम स्थूल मेटीरियल थोड़ा चाहिए, आत्मा के लिए तो सूक्ष्म मेटीरियल चाहिए ना, तो वे हुनर सीखना चाहिए ना। बिगड़ी को बनाते रहो, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाओ, पत्थर बुद्धि को क्या बनाओ, पारस बुद्धि बनाओ। ये तुम्हारी गॉडली मिशनरी है, ये तुम्हारी क्या है, गॉडली मिशनरी है, जैसे क्रिश्चियन की मशीनरी, ये ना मिस प्रिंट है मुरली में, सब जगह मिशनरी है, ये मिशनरी को मशीनरी, हाँ कई मिशनरी कई मशीनरी, तुम्हारी गॉडली मिशनरी है। मतलब जैसे क्रिश्चियन मिशन है, मिशनरीज हैं, उनका होता है जाकर के हमने क्रिश्चियन बनाना है, मुस्लिम मिशनरी का मतलब है उन्होंने जाके मुस्लिम बनाना है, ऐसे क्रिश्चियन मिशनरी, अब यहाँ मशीनरी लिख दिया, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरी है, और वे औरों को क्रिश्चियन बनाते हैं। तुम्हारी ईश्वरीय मिशनरी है पतितों को पावन बनाने की, पतित पावन गाते हैं तो जरूर आया होगा, मिशनरी जारी की होगी, तब तो पतित से पावन बने। रावण की मिशनरी, रावण की भी मिशनरी है, या मशीनरी कर दिया, रावण की मिशनरी है पावन को पतित बनाना, रावण का लक्ष्य क्या है, काम क्या है, पावन को पतित बनाना। राम की मिशनरी है पतितों को पावन बनाना। मुख्य है ही योग, बाप दादा जिससे स्वर्ग की बादशाही का वर्षा ले मिलता है, उनको याद भला क्यों नहीं करेंगे, सारा कल्प तो देहधारी को याद किया, सारा कल्प तो हम देहधारी को याद करते आए, अब याद करना है विदेही को। क्या हमने सारा कल्प देहधारियों को याद किया, देखो सारा कल्प, सारा कल्प तो देहधारी को याद किया है, याद करना माना कहना माना, बाप को तो जानते नहीं थे, तो जो भी पड़ोसी थे परिवार था उसी का ही कहना मानते आए, अब बाबा कहता है मेरा कहना छोड़ो इन देहधारियों, जब तक मेरा कहना नहीं मानोगे, देहधारियों को नहीं छोड़ोगे तो श्रेष्ठ ना बन सको। याद करना है विदेही को, विचित्र को, विदेही विशेष देह वाला, विचित्र विशेष चित्र वाला, जिनका कोई चित्र नहीं, विशेष देह, देह है, हाँ
बिना वाला नहीं कहेंगे, बिना नहीं कह सकते। देही यानी कि विशेष आत्मा, देही विशेष आत्मा, चाहे कुछ भी कहो, देही माना क्या होता है? आत्मा। देही माना आत्मा। आत्मा भी क्यों कहा उसे? देह को धारण करती है, तो देह को धारण करने वाली हुई देही। तो और ये है विदेही, ये विशेष देह को धारण करने वाली शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ने नहीं, ब्रह्मा को नहीं, समझो ना, यही तो समझना। अच्छा आप विचित्र क्यों कह रहे हो? अच्छा क्यों कह रहे हो? चित्र है ना उसका, बाकी सब चित्रों से अलग, हमारे उसका चित्र, हम ये तो नहीं कह सकते कि परमात्मा का चित्र नहीं है। तो हमारा चित्र है जो दिखाई देता है, उसका चित्र है जिसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते। चित्र तो है ना, नहीं देती उसकी देह को, हम नहीं देख पा रहे ना। भले यही है, मतलब मेन जो बात है वो यही है। मतलब ये जैसी यहां पर बाबा ने भी बोल दिया या लिख दिया, जो भी समझो, जिनका कोई चित्र नहीं, ये लाइन रोंग हो जाती है, जिनका कोई चित्र नहीं। यहां से तो लेंगे भक्ति मार्ग वाले, वो कहां से कहेंगे परमात्मा का कोई आकार नहीं है, देख लो भगवान ने कहा है। ये लाइन भक्ति मार्ग वाले पकड़कर, हाँ जी, वही फिजिकल अपीयरेंस हम देख नहीं सकते ना, हम बना नहीं सकते ना, यही तो हमने कहा वी आर अनेबल टू ड्रा। परमात्मा का चित्र ऐसा है, वी आर अनेबल टू ड्रा, ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है, हमारी क्षमता से बाहर है, परंतु उसका बिंदु तो है ना, है ना। हमने वो क्या बोलते हैं, किसकी कहानियां थी वो, छोटे से गांव में, छोटे लोगों के देश में चला जाता है, हाँ लिल्ली पुट की कहानियां। अब वो छोटे से, जहाँ बहुत ही बोने बोने होते हैं, वो उसके अंगूठे पर चल रहे होते हैं, उंगलियों पर चल रहे होते हैं, वो उनको हाथ में उठा के चल रहा था, तो अब वो उनके लिए तो एक बहुत बड़ा हो गया ना, और वो फिर बहुत बड़े में चला जाता है जहाँ वो बहुत छोटा सा हो जाता है। तो मतलब कहने का है कि हम परमात्मा के सूक्ष्म रूप को हम नहीं बना पा रहे, ये हमारी अक्षमता है, परंतु उसका रूप तो है। परमात्मा को ये तो नहीं कह सकते कि वो है नहीं, यदि उसका नाम रूप नहीं है तो फिर वो है ही नहीं। ये लाइन, ये मिस प्रिंट जब भक्ति मार्ग वाले इस मुरली को पढ़ के सुनाएंगे, भक्ति मार्ग की स्थापना करेंगे, यहीं से करेंगे ना, इस लाइन से कहेंगे, देखो भगवान ने लिखा है जिनका कोई चित्र नहीं, नहीं उसका कोई आकार नहीं है, अब लेने लिखने वाले ने क्या लिखा वो एक अलग बात है, वो तो लेने वालों ने तो अपनी मर्जी से लिया ना। अब ये मुरली के अंदर लिखा गया, अब ये मुरली जाएगी, इस मुरली को जब पढ़ेंगे भक्ति मार्ग की स्थापना करने वाले, वो इस मुरली को पकड़ करके सबको, क्योंकि सारी मुरलियां तो पढ़ना उनके बस की बात नहीं है, उनके हाथ में तो ये एक मुरली लगेगी, क्रिश्चियन के हाथ में एक अपनी मुरली लगेगी, वो उसी मुरली के हिसाब से सबको समझा देगा, जिसमें उसका काम चल जाएगा। उनको आना जरूर पड़ता है, जब आता है कुछ है तो सही ना, यदि कुछ है नहीं तो आता क्या है। गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना, परमात्मा आकर ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीन धर्मों की स्थापना करते हैं। ये तो सीधी बात है, ब्राह्मणों का दूसरा कोई भी है नहीं, ब्राह्मणों का दूसरा कोई भी कोई है भी नहीं,
तुम जानते हो शिव बाबा हमारा टीचर भी है, हमारा टीचर भी है, सतगुरु भी है। सतगुरु तो एक ही है, ब्रह्मा को भी वे गुरु हो गया। ब्रह्मा को भी क्या कहेंगे, वो भी गुरु है, ब्रह्मा को भी सतगुरु नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसने झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगा। तो जो भोगता है तो वो नेचुरल अपने गुणों और शक्तियों को क्षय करता है। जब गुणों और शक्तियों को क्षय करता है तो फिर क्या होगा? वो सत्य नहीं हो सकता। विष्णु को भी गुरु नहीं कहेंगे, विष्णु का गुरु नहीं कहेंगे। लाइन ध्यान से फिर चेंज है कुछ इसमें। ब्रह्मा का भी वे गुरु हो गया, शिव बाबा ब्रह्मा का भी गुरु हो गया, सतगुरु है नहीं? और विष्णु का गुरु शिव बाबा नहीं है, और शंकर का भी। ब्रह्मा का गुरु बन उनको विष्णु देवता बनाया है, शंकर का भी गुरु कैसे हो सकता है? शिव बाबा शंकर का भी गुरु नहीं है। शंकर तो पतित बनता ही नहीं, शंकर पतित भी नहीं बनता। हाँ जी, है ही नहीं, फिर पतित बनता ही नहीं। उनको गुरु की क्या दरकार है? कौन है शंकर फिर? ब्रह्मा तो 84 जन्म लेते हैं, विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहे। विष्णु व शंकर के 84 जन्म नहीं कहे। कितनी अच्छी धारण करनी और कराने की बात है। ये पॉइंट बहुत डीप है मूर्ति के अंदर ना, कि ब्रह्मा जब 84 जन्म लेता है, शंकर और विष्णु 84 जन्म नहीं लेते, और विष्णु बना 1 सेकंड में कृष्ण के रूप में जन्म ले लिया, और शंकर बना 33 साल तक, या पूरा संगम भी कहो। शंकर का रोल प्ले किया, विनाश की सारी तैयारियां कराई ब्रह्मा ने, परंतु सूक्ष्म रूप में। जब वो 33 वर्ष के लिए सूक्ष्म रोल प्ले किया, तब उसने विनाश की तैयारियां कराई, तो उस समय परमात्मा उसको कोई गुरु बन के पढ़ाता नहीं, और वो पतित भी नहीं बनता है। अच्छी धारण करने और कराने की बातें हैं, जो धारण करते और कराते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। धारणा नहीं करेंगे तो पद भी कम हो जाए, पद भी कम हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। स्थापना का कार्य फिर शंकर का रोल प्ले किया 2002 तक। अब तो विश्व शंकर कृष्ण का कृष्ण के रूप में जन नहीं कर रहा है, अब भी चल रहा है काम। अब स्थापना का कार्य चल रहा है ना, पालना का कार्य ना, देवताओं की पालना करनी है ना, उनके लिए महल बनाने हैं, उनके रहने की व्यवस्था करनी है। वो वहां सतयुग में आते ही पहले दिन थोड़ा बन जाएंगे ना, एक दिन में थोड़ा बनेंगे, यहीं से सब कुछ रेडीमेड करके दे। हाँ, तो वो तो तैयारियां हो गई, चल रही है ना, परंतु वो विनाश वाले विनाश का काम कर रहे हैं, वो उनको काम दे दिया। अब हर एक को फार्मूला मिल गया कि कैसे हमने बम बनाना है और कैसे हमने विनाश करना है। हाँ जी, बाबा ने नहीं कहा खत्म हो गया, मतलब 33 तो मैंने कहा
बाबा तो कहते बच्चे आप जैसे ही अपने में देवी संस्कार बनाते जाते हो तो आसुरी संस्कार क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं और लास्ट तक चलता रहेगा। और जो आपने देवी संस्कार अपने में धारण किए अब उनकी तुम पालना भी कर रहे हो, तुम त्रिमूर्ति हो, तो ये रोल तो सारे चलेगा है नहीं। परंतु ये तीन रोल हैं तो तीन रोल में तीन जो पार्ट प्ले किए, 33 साल वो पार्ट प्ले किया साकार स्थापना का। और उसके बाद बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने कमरा और कपड़ा चेंज किया है, कहीं गया नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म रूप में पालना करने के निमित्त रहे और उधर जो है जो एडवांस पार्टी की आत्माएं थी जिनको विनाश का कार्य जिनके थ्रू कराना था उनको विनाश का कार्य कराया, विनाश के लिए प्रेरित किया, और जिनको स्थापना का कार्य कराना है उनको स्थापना का कार्य। इस सतयुग के लिए महल भी तो चाहिए ना, वो बंकर्स वो महल अभी बना के जाएंगे तो उसी में रहेंगे वो, तो नहीं वो बंकर्स महल से कम नहीं होंगे। वो बना रहे हैं राष्ट्रपति अपने लिए, चाहे वो पुतिन हो तो चाहे वो अमेरिका का हो तो चाहे वो चाइना का हो, चाहे कोरिया के हो तो चाहे कहीं के हो, वो बना तो रहे अपने लिए वो महल, जिनके ऊपर मतलब हमारे जो बॉम्ब्स हैं मिसाइल्स हैं उनका कोई उनके ऊपर असर ना हो। परंतु वो महल यूज होंगे इनके, अविनाश तो होना है, कुछ तो रहेगा ना। एकदम कैसे मकान बनाएंगे, एकदम कुछ भी ना हो ऐसे ही बॉडी पड़ी हो खड़ा हो जाए क्या करेगा फिर, वो क्या खाएगा। और वहां उनके लिए व्यवस्था भी होगी ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बाइबल की स्टोरी है उसके अंदर ये 40 दिन के अंदर दिखाया है, 40 दिन में परिवर्तन होता है, उसमें वो गेहूं भी पशु भी पक्षी भी सभी के जोड़े उसके अंदर लादता है, 40 दिन बाद उसको फिर से शुरू करने का मौका मिलता है। निंदा करने वाले का संग कभी भी नहीं करना है, ना गलानी करनी है और ना सुननी है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए मुख से ज्ञान रत्नों का दान करना है। ज्ञान मेटीरियल से मनुष्यों को, ज्ञान ही मेटीरियल है बाबा कहते हैं, ज्ञान मेटीरियल से मनुष्यों को देवता कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी अपना और सर्व का कल्याण करने का ही धंधा करना है, अपना भी कल्याण करना है और सबका कल्याण करना है। वरदान प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा के बैलेंस द्वारा सर्व को बाप की ब्लेसिंग प्राप्त कराने वाले विजयी रत्न भव। प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाने के लिए दृढ़ता संपन्न प्रतिज्ञा कर, दृढ़ता संपन्न अच्छी तरह मजबूती के साथ क्या करो, प्रतिज्ञा करो। प्रतिज्ञा करना माना, प्रतिज्ञा करना माना, हाँ जी बाबा कहते जान की बाजी लगा देना, मर जाएंगे परंतु ये काम करेंगे। प्रतिज्ञा करने का मतलब ये है, खाली प्रतिज्ञा कर किया मैंने कुछ आया मैं नहीं करता, नहीं मतलब प्रतिज्ञा करना माना बाबा कहते चाहे कुछ भी हो जाए जो कह दिया आप धरत पड़िए पर धर्म ना, जान की बाजी लगा देना, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जा सकती। दृढ़ प्रतिज्ञा वाले कैसी भी परिस्थिति में हार नहीं खा सकते, वे गले का हार अर्थात विजयी रत्न बन जाते हैं। तो जब ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो तब प्रत्यक्षता हो, तब प्रत्यक्षता हो। प्रत्यक्षता और प्रतिज्ञा इन दोनों का बैलेंस ही सर्व आत्माओं को बाप दादा द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त होने का आधार है। स्लोगन
लवलीन स्थिति का अनुभव करो तो स्मृति विस्मृति के युद्ध में समय नहीं जाएगा, क्योंकि अब हम कहाँ हैं, युद्ध के मैदान में। याद करते हैं मैं आत्मा हूं, थोड़ी देर बाद देह, याद करते हैं मैं आत्मा हूं, फिर तो ये स्मृति और विस्मृति का युद्ध खत्म नहीं, खत्म समय नहीं जाएगा, उस खत्म करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।